इस फिगर में एक रिंग है, एक रिंग रोल करती हुई आगे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, ओमेगा के साथ रोल कर रही है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग के अंदर रोटेशनल मोशन में बताया जाता है कि सेंटर ऑफ मास जो सेंटर है वो मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आपको पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है क्या होगी। तो हमने ये सीखा था कि अगर वायर्स कर्व हैं, गोल हैं, कैसी भी हैं, तो आप ज्वाइन कर दो पी और क्यू को। जब आप ज्वाइन करते हैं पी और क्यू को तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, टू आर। तो जब आप इसे मूव करवाते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी इज इक्वल टू आर ओमेगा तो मोशनल ईएमएफ क्या बनेगी, बी एल वी, बी लेंथ की जगह टू आर और वेलोसिटी की जगह आर ओमेगा। तो ये आंसर आ गया। फिर वो ये पूछेगा कि बताओ पी और क्यू में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो इसके लिए आप इमेजिन करें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं। तो बी बोर्ड के अंदर है, थंब राइट की तरफ है, तो करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो बी बोर्ड के अंदर है, थंब राइट है, करंट ऊपर है, ऊपर का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव होगा और पी नेगेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके सामने एक एक रिंग या एक सेमी सर्कल है कंडक्टर, और ये कैसे मूव कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सेमी सर्कुलर लूप है रेडियस ए एंड रेजिस्टेंस इसकी आर है, हिंज्ड एट ओ, ओ पॉइंट पे हिंज्ड है और इसके अबाउट ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ ओमेगा, तो ये ओमेगा के साथ घूम रहा है। प्लॉट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करें, एंड टेकिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज करंट आ रहा है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेके जाना है, और अगर नेगेटिव आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में मार्क करना। और ये भी गिवन है थीटा जीरो है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा जीरो का ये मतलब है कि पहला डायग्राम ऐसा होगा थीटा जीरो, फिर डायग्राम ऐसा होगा, फिर डायग्राम ऐसा होगा, फिर डायग्राम ऐसा होगा, और फिर डायग्राम ऐसा होगा, और ऐसे घूम रहे थे पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, रोटेशन हो रही है इस तरीके से। थीटा जीरो का मतलब पहले ये डायग्राम ऐसे है, फिर थीटा इंक्रीज हो रहा है क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूम रहे, ये डायग्राम बनेगा, फिर और घूम गया पूरी तरह अंदर आ गया, फिर बाहर निकल आया। तो शुरू शुरू में क्या हो रहा है, शुरू शुरू में ये लूप एंटर कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका फ्लक्स बढ़ता जा रहा है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, और जब ये बाहर निकलेगा तो इसका फ्लक्स कम होता जा रहा है। तो इतना तो समझते हैं, अगर फ्लक्स बढ़ेगा और करंट मान लो क्लॉकवाइज है, और जब कम होगा तो उसी टाइम करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहीं ना कहीं करंट चेंज हो जाएगा अगर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, मतलब फ्लक्स इंक्रीज की जगह फ्लक्स जब डिक्रीज होगा। तो अब केस में जब ये एंटर कर रहा है तो हम क्या लेते हैं, एक ओ पॉइंट और एक बी पॉइंट, क्योंकि ओ भी स्ट्रेट वायर है, ये जो वायर है तो कर्व्ड वायर है। तो इस स्ट्रेट वायर को इमेजिन करें, ये जो स्ट्रेट वायर है ये कैसे एंटर कर रही है, ये ऐसे एंटर कर रही है। फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है कि ये फर्स्ट फिंगर बी है और थंब कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, तो करंट कैसे जनरेट होगा, इस तरफ। तो बी बोर्ड के अंदर है, ये रॉड इमेजिन करें, और करंट ऐसे होगा तो करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज करंट को क्वेश्चन में लेने को क्या कहा गया, नेगेटिव, और क्लॉकवाइज का मतलब करंट क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्लियर है। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, करंट होगा क्या, देखो जो करंट होगा इसमें, ये रॉड है, जब रॉड रोटेट करती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो हमने ईएमएफ का फॉर्मूला डराइव किया था, हाफ बी ओमेगा इंटू ए स्क्वायर, ए या एल स्क्वायर या आर स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस ए है तो ए स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगा दो रॉड का। तो रॉड जब रोटेट करती है तो ये ईएमएफ है, और करंट की वैल्यू क्या होगी, इस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। अब जब ये करंट, जब ये रॉड रोटेट करती है तो ना तो हाफ चेंज होगा, ना बी, ना ओमेगा, ना ए, ना आर, तो करंट यानी कि क्या होगा, इसमें कॉन्स्टेंट ही रहेगा। जब ये लूप एंटर कर रहा था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और जब ये बाहर निकलेगा करंट क्लॉकवाइज है। तो जब ये एंटर कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज है, और जब बाहर निकलेगा तो क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव करंट है, क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव करंट है। ऐसे ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऐसा आपको ऑप्शन गिवन होगा। क्लियर है? तो इसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा, जो ऊपर हमने निकाला सेम, ये रहा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्वाड्रेंट का करंट है।
इसके अंदर ये जो टाइम है, ये टाइम क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है, 2π/T, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आएगा, T/2। तो 0 से T/2 का मतलब आधे सर्कल में करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, फिर आधे सर्कल में करंट कैसे है, क्लॉकवाइज है, ऐसे इसको रीड करना है। तो पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इसको, इसका ऑप्शन मार्क होगा।